chapter number 3. Our name of the chapter is Learning Together. Chapter ka name kya hai? Learning Together. Learning means seekhna. Together means ek saath. तो हम साथ में सीखते हैं. चैप्टर का नाम क्या है कि हम सब साथ में सीखते हैं. अब इसमें किसकी किसकी स्टोरी बताई हुई है, किसके बारे में बताया हुआ है इस चैप्टर में? रामा. रामा एक गर्ल है जिसके पास एक गॉड है. ओके, तो इसमें इस चैप्टर में रामा की स्टोरी बताई हुई है, रामा के बारे में बताया हुआ है. रामा एक लिटिल गर्ल है, पुअर गर्ल. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. ओपन पेज नंबर 25. Okay, let's start to read. The bell ring train. Bell ne rang kiya. Baji. Kaise baji bell? Tring. Tring karke. Tring jaise hum apne hamare school mein bhi bell bajti hai na. To kaise sound aati hai? Tring, 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 tring. Aise sound aati hai na. To bell baji. Bell ki ghanti baji kaise? Tring, tring, tring. Next. It was recess. Ye kya hai? Recess है. Recess means lunch break, half day, जिसमें कि हमारा आधा time चला जाता है और उसके बाद हम lunch करते हैं. जैसे हम lunch कब करते हैं? Afternoon में करते हैं ना, दोपहर में करते हैं ना lunch. तो वो भी उसको हम क्या बोलते हैं school में? Recess बोलते हैं. Lunch time भी बोलते हैं. The children ran out of the class. बच्चे कहाँ गए? Class से बाहर भागे. जैसे ही लंच की बेल बजी वैसे ही बच्चे क्लास से बाहर भागे. नेक्स्ट, जिया एंड हुसैन. दो बच्चों के नेम है, एक बॉय है एक गर्ल. जिया इज गर्ल एंड हुसैन इज बॉय. हैड देयर लंच. दोनों अपना लंच करने लगे. देन दे रैन टू द प्लेग्राउंड. तभी अपना लंच करने के बाद वो कहाँ गए? किस तरफ भागे? प्ले ग्राउंड की तरफ, खेल के मैदान की तरफ भागे. सबके स्कूल में होता है ना प्ले ग्राउंड. तो जैसे ही लंच की ब्रेक हुई, बेल बजी, उन्होंने लंच किया और वो प्ले ग्राउंड की तरफ भागे, रन किया उन्होंने. एंड स्टार्टेड, और शुरू किया प्लेइंग, खेलना विद अ फ्लाइंग डिस्क. विद अ फ्लाइंग डिस्क किसके साथ? जो फ्लाइंग डिस्क होती है. कैसे होती है? एक सर्कल जैसा होता है जिसमें पतला सा कार्डबोर्ड का, हम उसको ऐसे फेंकते हैं. उन्होंने उस फ्लाइंग डिस्क के साथ खेलना स्टार्ट किया. द डिस्क फ्लू एंड फेल नियर अ वॉल. जो डिस्क थी वो उड़ी और कहाँ जाके गिरी? एक वॉल के पास में, दीवार के पास में. दे बॉट रैन. दोनों भागे. कौन कौन भागे? जिया एंड हुसैन दोनों भागे. टू पिक इट अप, उसको उठाने के लिए. किसको उठाने के लिए? डिस्क को. नियर द वॉल, दीवार के पास में. दे सा, उन्होंने देखा. अ लिटिल गर्ल, एक छोटी बच्ची को. उन दोनों ने किसको देखा दीवार के पास? एक छोटी बच्ची को. शी वॉज ग्रेजिंग हर गोट. वो अपनी बकरी को क्या कर रही थी? ग्रेजिंग, चारा चरा रही थी, घास खिला रही थी, उसको खाना खिला रही थी. ठीक है. द गर्ल स्माइल एंड वेव एट जिया. गर्ल ने जिया की तरफ देखा और स्माइल पास की. ठीक है, उसको देख के उसने क्या किया? लिटिल गर्ल ने क्या किया? स्माइल पास की. उसने स्माइल किया किसको देखकर? जिया को. जिया इन रिटर्न स्माइल्ड एट हर. जिया ने भी उसको देख के स्माइल किया, वापस स्माइल किया. लिटिल गर्ल ने स्माइल किया, उसके बाद जिया ने भी उसको स्माइल पास किया, उसके तरफ देख के स्माइल किया, मुस्कुराई. डू यू नो हर? क्या तुम इसको जानती हो? हुसैन आस्क. हुसैन जो बॉय उसके साथ था, उसने जिया से पूछा कि क्या तुम इसको जानती हो? तुम इसको देख के स्माइल कर रहे हो, क्या तुम इसको जानते हो? किसने पूछा? हुसैन ने. जिया सैड यस शी इज रामा. जिया ने कहा हाँ यह रामा है. ये कौन है? ये रामा है. ये देखिए इसकी गोट है ना, ये इसको क्या खिला रही थी? खाना खिला रही थी. तो जिया ने क्या कहा? यस आई नो, मैं इसको जानती हूँ. शी इज
रामा, ये रामा है, इसका नाम क्या है? रामा। हर फादर, इसके पापा, इज द सिक्योरिटी गार्ड ऑफ आर अपार्टमेंट। जो इसके फादर हैं वो हमारे अपार्टमेंट में एक सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड मतलब जो हमारी देखभाल कर, हमें सिक्योर करते हैं, किससे? बाहर के लोगों से, चोरों से, ठीक है। तो जो उनकी बिल्डिंग थी, उनका अपार्टमेंट था, जिसमें कौन कौन जिया और हुसैन रहते थे, वो उसके तो रामा के फादर वहां उस बिल्डिंग के बाहर क्या थे? सिक्योरिटी गार्ड थे। हाय रामा, रामा को हाय किया किसने? हुसैन ने। व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हुसैन ने पूछा, रामा तुम यहाँ क्या कर रही हो? आस्क जिया, जिया ने पूछा, सॉरी हुसैन ने नहीं, जिया ने पूछा, हाय रामा तुम यहाँ क्या कर रही हो? रामा रिप्लाइड, रामा ने कहा, उत्तर दिया, देख दीदी आई लव टू कम हेयर एवरी डे। रामा ने उत्तर दिया, दीदी मैं मुझे यहाँ रोज आना पसंद है, मुझे यहाँ रोज आना अच्छा लगता है। आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। रामा ने कहा कि मुझे यहाँ रोज आना अच्छा लगता है, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, स्कूल में आना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड बुक्स लाइक यू, और आपकी तरह बुक्स पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ाई करना चाहती हूँ, किताबें पढ़ना चाहती हूँ। रामा, रामा किसने कहा? जिया ने कहा, रामा वी विल हेल्प यू टू रीड एंड राइट। किसने? जिया ने रामा को कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी पढ़ने में और लिखने में, रीड एंड राइट। रामा स्माइल, रामा ने फिर से स्माइल किया, क्यों? क्योंकि जिया ने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ना और लिखना सिखाऊंगी, तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो फिर रामा ने क्या किया? फिर से स्माइल किया। वी विल टेक यू विद अस, हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। व्हेन, जब, वी गो टू प्ले, हम खेलने जाएंगे। जब भी हम खेलने जाएंगे हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। इन द पार्क, पार्क में, बगीचे में, वी कैन सिट अंडर द बनियन ट्री एंड लर्न टुगेदर, हम लोग बनियन ट्री के नीचे साथ बैठेंगे और वहाँ पे पढ़ना सीखेंगे। सजेस्टेड जिया, जिया ने उसको सजेस्ट किया, उसको समझाया, उसको बताया। सून, जल्दी ही, द बेल रैंग अगेन, घंटी दोबारा बजी। जिया एंड हुसैन, जिया और हुसैन रैन बैक टू देयर क्लासरूम। जिया और हुसैन जैसे ही बेल बजी, जिया और हुसैन वापस से अपनी क्लास में गए। कीपिंग हर प्रॉमिस, जैसा कि उन्होंने वादा किया था, जिया टॉट रामा टू रीड, जिया सिखाएगी रामा को पढ़ना। क्या सिखाएगी जिया रामा को? पढ़ाई करना सिखाएगी। ऑन सम डेज, और फिर कुछ दिन बाद, हुसैन वुड हैव टू, और फिर थोड़े दिन बाद हुसैन उसकी हेल्प करेगा। ही टोल्ड रामा टू राइट, वो रामा को क्या सिखाएगा? लिखना, राइट मीन्स लिखना सिखाएगा। जिया ने क्या सिखाया रामा को? पढ़ना। और हुसैन ने क्या सिखाया? लिखना। रामा वुड ब्रिंग राइट वावर्स एंड शेयर देम विद जिया एंड हुसैन। रामा अपने साथ मीठे पके हुए क्या लेके आई? गुआवाज, अमरूद लेके आई। एंड शेयर, और शेयर किया, बांटा। किसके साथ? जिया और हुसैन के साथ, ठीक है। द चिल्ड्रन इंजॉय, बच्चों ने खूब इंजॉय किया, आनंद लिया। द गुआवाज, अमरूद का। एंड बिफोर गोइंग होम, बच्चों ने मीठे मीठे अमरूद खाए, उनको इंजॉय किया घर जाने से पहले। सुन, जल्दी ही, रामा लर्न टू रीड, रामा ने पढ़ना सीख लिया। जल्दी रामा ने क्या सीख लिया? पढ़ना, रीड करना। द थ्री ऑफ देम वर टुगेदर रीड एडवेंचर्स
स्टोरीज एंड फेरी टेल्स। और फिर तीनों क्या करते हैं, एक साथ एडवेंचर्स की स्टोरी पढ़ते हैं। एडवेंचर्स मीन्स जो साहसी लोगों की स्टोरीज होती है ना, उनको पढ़ते हैं, और फेरी टेल्स जो परियों की कहानी होती है उनको साथ में बैठ के रीड करते पढ़ते। सी ऑल्सो लर्न टू सॉल्व मैथ्स प्रॉब्लम। और फिर रामा ने और क्या सीखा, मैथ्स, काउंटिंग्स की जो प्रॉब्लम्स होती है, वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं या नंबर्स होते हैं, उनको भी सीख लिया, मैथ्स भी सीख लिया, गणित भी सीख लिया रामा ने। दे ऑल्सो सॉल्व नंबर गेम्स टूगेदर। और फिर वो सब एक साथ नंबर गेम्स भी एक साथ सॉल्व करने लगे, जैसे कि एडिशंस होते हैं, सब्ट्रैक्शंस होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, उन्होंने उनको भी एक साथ करना सीख लिया। लर्निंग टुगेदर इज फन इंडीड। साथ में कुछ भी चीज सीखना बहुत ही आनंदफुल होता है, ठीक है ना। फन, जिसमें हम मस्ती करते हैं, फन करते हैं, जब हम एक साथ पढ़ते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो हम एंजॉय करते हैं ना, कि अगर एक को नहीं आया तो दूसरे ने उसको उसकी हेल्प कर दी, दूसरे को नहीं आया तो फर्स्ट वाले ने उसकी हेल्प कर दी। तो जब हम कोई भी काम पढ़ने का, लिखने का या और भी कोई काम साथ में करते हैं, तो हम उसमें फन भी करते हैं और वो काम अच्छे से करते हैं, अच्छे से सीखते हैं। ओके, चैप्टर समझ आया। अब हमें इस चैप्टर से क्या सीखने को मिला, कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए पढ़ने में, लिखने में, या जो भी वो करना चाहते हैं, जो भी वो बनना चाहते हैं, ठीक है। और साथ काम करने से, साथ में रहने से हम बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है, सीखते हैं ना। अब इन तीनों ने भी सीखा ना, और उसके साथ साथ क्या किया, फन किया, है ना। आप भी स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हो, पढ़ाई भी करते हो, लंच भी करते हो, डांस भी करते हो ना, फिर उस टाइम मस्ती भी होती है ना, अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स के साथ। ओके, सबको स्टोरी समझ आई, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगी और समझ में भी आई। चलिए अब हम इसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको मीनिंग के साथ एक बार रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं, और इनको आप नोटबुक में राइट भी करना और रीड भी करना सीखना, और चैप्टर भी आपको रीड करना है। ओके, फर्स्ट इज ग्रेजिंग, जी आर ए जेड आई एन जी, ग्रेजिंग। ग्रेजिंग मीन्स चराई, चराना, जैसे रामा अपनी गोट को चरा रहे हैं। नंबर टू सिक्योरिटी, एस ई सी यू आर आई टी वाई, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब जो हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, है ना, जो हमारी सुरक्षा करते हैं बाहर की चीजों से। नंबर थ्री टुगेदर, टी ओ जी ई टी एच ई आर, टुगेदर। टुगेदर मीन्स एक साथ। नंबर फोर इज रिप्लाई, R E P L I E D, replied. Replied means answer का, उत्तर देना। मैम आपसे कोई क्वेश्चन पूछती है तो आप उसका आंसर करते हो ना, तो उसको क्या बोलते हैं, रिप्लाई, आंसर करना, उत्तर देना। नंबर फाइव I N D double E D, indeed. Indeed means बताइए, बताया था ना आपको चैप्टर में, आपने बुक्स ओपन की है, लगता नहीं है मुझे आपने की होगी बुक्स ओपन, बताइए क्या होता है इंडीड का मीन्स, वास्तव में इंडीड का क्या। लास्ट देखिए, लास्ट लाइन आपके चैप्टर की यही थी ना, इंडीड, इसमें लास्ट वर्ड क्या था चैप्टर के लास्ट में, इंडीड। लर्निंग टुगेदर इज फन इंडीड, साथ में कुछ भी चीज सीखना वास्तव में बहुत ही फन वाली होती है, बहुत ही मस्ती वाली होती है, बहुत ही अच्छी होती है। ओके, तो आपको ये डिफिकल्ट वर्ड समझ आए, रीड करना आया आपको, इनके मीनिंग समझ आए, कोशिश करना समझने की, नहीं समझ आए तो हेल्प लेना पेरेंट्स की। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।